हेलो फ्रेंड, और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी और एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को आवर्त सारणी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि आवर्त सारणी क्या होती है और इसमें कितने एलिमेंट को रखा गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आवर्त सारणी क्या है और आवर्त सारणी को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है, इनके बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आवर्त सारणी क्या है, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे विद्यार्थियों के पता नहीं होती है कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी क्या होती है, आवर्त सारणी हमको किस बात की जानकारी देता है, इनके बारे में उनको पता नहीं होता है। तो आवर्त सारणी क्या होती है? आवर्त सारणी एक ऐसी सारणी होती है जिसके माध्यम से हम जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनको गुणों के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। मतलब आवर्त सारणी के माध्यम से हम जो है ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जितने भी क्या है ज्ञात तत्व है उनके जो है प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया जाता है। यही क्या होता है, आवर्त सारणी होता है। और आवर्त सारणी में यह भी जानकारी मिलती है कि जितने भी समान गुण वाले जितने भी तत्व हैं जिनके प्रॉपर्टी क्या है, इक्वल है या सेम है, उनको जो है कहाँ स्थान दिया गया है, उनको जो है ग्रुप में स्थान दिया गया है, वो क्या रहता है, वर्ग या समूह का रहता है। तो जितने भी वर्ग या समूह होते हैं इनके तत्वों के जो है प्रॉपर्टी होती है वे क्या होती है, सेम होती है। और जो असमान गुण है या जिनके प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो जिनके प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है उनको जो है क्या दिया गया है, क्षैतिज खाने में स्थान दिया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं या आवर्त बोलते हैं। आवर्त में उन तत्वों को रह गया है जिनके प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, या और ग्रुप में उन तत्वों को रखा गया है जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो हमने जाना कि आवर्त सारणी क्या होती है। तो जब जब आवर्त सारणी की बात आती है तो आवर्त सारणी को तीन वैज्ञानिकों ने क्या किया है, बताया है। सबसे पहले मेंडलीव ने बताया है। तो मेंडलीव की जब हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो जो एटॉमिक मास के आधार पर क्या है, अरेंज हुई है। और जो मोसले का जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं, वे जो मोसले है उसने तत्वों को जो किस प्रकार अरेंज किया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली क्या क्या अरेंज किया है। और एक और वैज्ञानिक है जिन्होंने जो है मोसले के आवर्त सारणी क्या क्या एक्सटेंडेड किया है, वे हैं नील्स बोर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आवर्त सारणी में टोटल कितने एलिमेंट पाए जाती है। तो हम जब आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं तो आवर्त सारणी में जनरली 118 मतलब होता है 118 तत्वों को रखा गया है, 118 तत्वों को रखा गया है। अब देखते हैं कि जो 118 जो है पेरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये जो कौन कौन से ब्लॉक में इसको अरेंज किया गया है। तो हम देखते हैं दोस्तों, जो जो 111 जो क्या है 118 जो एलिमेंट है, ये जो टोटल नंबर ऑफ क्या है एलिमेंट है, ये जो पेरियोडिक टेबल में पाई जाती है। अगर इनको देखते हैं कि कितने एलिमेंट कितने कौन से ब्लॉक में, कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में, तो अगर हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पेरियोडिक टेबल, अगर देखते हैं कि पेरियोडिक टेबल में जो 118 तत्व पाई जाती है उनको चार ब्लॉक में क्या क्या स्थान दिया गया है। पहला कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। दूसरा कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है ए ब्लॉक। इन चारों ब्लॉकों में जो है 118 जो तत्व है उनको जो स्थान दिया गया है। और इनमें जो है जो 118 जो तत्व है उनमें जो है क्या किया गया है, कुछ इन तत्वों को जैसे 13 एलिमेंट है, 13 एलिमेंट को कहाँ रखा गया है, एस ब्लॉक में। पी ब्लॉक में रखा गया है 37 एलिमेंट को, और डी ब्लॉक में रखा गया है 40 एलिमेंट को, और एफ ब्लॉक में स्थान दिया गया है, मतलब एफ ब्लॉक में टोटल जो है 28 एलिमेंट पाई जाती है। तो हमने ये जाना कि कौन से ब्लॉक में कितने एलिमेंट पाई जाती है। तो एस ब्लॉक में 13, पी ब्लॉक में 37, डी ब्लॉक में 14 और ए ब्लॉक में 28 एलिमेंट को रखा गया है।
अगर हम बात करते हैं इनके जो इनिशियल एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की, या प्रारंभिक तत्व या अंतिम तत्व, तो इनका जो प्रारंभिक तत्व होती है, अगर मैं बात करूं इनका प्रारंभिक तत्व, तो एस ब्लॉक का जो प्रारंभिक तत्व होती है वे है हाइड्रोजन है, और इनका जो लास्ट जो एलिमेंट होती है वो क्या होती है रेडियम। एस ब्लॉक का जो प्रथम तत्व होती है वे है हाइड्रोजन, और जो अंतिम जो एलिमेंट होती है या तत्व होती है वे क्या होती है रेडियम। इसी प्रकार पी ब्लॉक के बारे में, अगर पी ब्लॉक का जो प्रथम तत्व को जानना चाहें तो पी ब्लॉक का जो प्रथम तत्व होती है वे है बोरान, और अंतिम तत्व होती है एन ऑक्सियम। और दोस्तों ये चीज बताना चाहूंगा कि पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट एलिमेंट होती है वे क्या होती है हाइड्रोजन होती है, आवर्त सारणी का जो प्रथम तत्व है हाइड्रोजन है, और अंतिम तत्व तो क्या होती है एन ऑक्टियम होती है। इनका एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का वन, इनका होता है 118। इनका जो है पी ब्लॉक का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो बोरान है, और इनका जो है अंतिम तत्व तो क्या होती है एन ऑक्टियम होती है। उसी प्रकार दोस्तों अगर डी ब्लॉक की बात किया जाए, डी ब्लॉक में कुल 40 तत्व को रखा गया है। अब 40 तत्व को रखा गया है, इनमें जो डी ब्लॉक का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होता है स्कैंडियम, और जो अंतिम तत्व होती है क्या होती है कॉपर निशियम, इसका होता है 21, इसका होता है 112। तो डी ब्लॉक का जो प्रथम एलिमेंट होती है वो स्कैंडियम होती है, और अंतिम तत्व होती है क्या होती है ये कॉपर निशियम, जिसको हम लोग बोलते हैं UUB, NNBM बोलते हैं, जिसका एटोमिक नंबर होता है 112 होता है। और अगर देखते हैं ए ब्लॉक, तो ए ब्लॉक का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58, ये जो सीरियम होता है। और इनका जो ए ब्लॉक का जो अंतिम एलिमेंट होती है वे क्या होती है लॉरेंसियम 103। तो लॉरेंसियम जो है ये जो ए ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट है, और इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होती है सीरियम। तो दोस्तों हमने ये जाना कि आवर्त सारणी में कितने तत्वों को स्थान दिया गया है। आप देख रहे हैं एस जो एस ब्लॉक में 13, पी ब्लॉक में 37, डी ब्लॉक में 40, और ए ब्लॉक में 28 एलिमेंट को रखा गया है। अब जान लेते हैं कि मोस्टली एक बार जब भी हम लोग जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किनकी देन है मोस्टली का देन है। जितने भी हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जितने भी जिनके भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये जिनको हम लोग एटॉमिक नंबर पर अरेंज किया गया है, तो एटॉमिक नंबर पर जो तत्वों को अरेंज किया गया है वो कौन से वैज्ञानिकों का देन है, वो है मोस्ले का। तो चलिए दोस्तों मोस्ले के बारे में कुछ जान लेते हैं कि मोस्ले को कहा गया है आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कहा गया है, मतलब मोस्ले ने किनका खोज किया है आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया है। तो इनका जो फुल फॉर्म देखते हैं, इनका जो शॉर्ट नेम देते हैं HGJ मोस्ले है। तो अगर हम मोस्ले के बारे में पढ़ते हैं, तो मोस्ले क्या होती है एक वैज्ञानिक है जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी क्या किया है खोज किया है। अगर इनका फुल फॉर्म देखते हैं HGJ मोस्ले का, तो होता है हेनरी, एच से क्या बनेगा हेनरी, जी से बनेगा ग्वाइंट, और जे से बनेगा जेफ्रेस। तो एच से बनेगा हेनरी, जी से बनेगा ग्वाइंट, और जे से बनेगा जेफ्रेस, और ये होता है मोस्ले मोस्ले। अब इन्होंने जो है आवर्त सारणी खोज कब किया है, तो इन्होंने आवर्त सारणी खोज किया है इनके पास, इसके बारे में जानते हैं इनका बर्थ कब हुआ। अगर मैं इनके बर्थ के बारे में बात करूं, इनका बर्थ हुआ है 23 नवंबर या 23 नवंबर होता है 1887 में, मतलब 23 नवंबर 1887 में जो है मोस्ले का जन्म हुआ। और इनका जो मृत्यु हुई है कब हुई है 10 अगस्त 1915, मतलब इनका जो मृत्यु हुई है 10 अगस्त 1915 में हुआ है। और इन्होंने जो ये जो आवर्त सारणी की जो रचना किया है कब किया है 1913 में,
मतलब इन्होंने जो आवर्तसारणी खोज किया है 1913 में किया है, तो ये मात्र जो है 28 इन ये जो है 28 ईयर क्या किया है जीवित रहा, और इस दरमियान उन्होंने क्या किया है आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया है। दोस्तों ये भी होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी खोज किसने किया है, मोस्ले ने, और साथ में यही प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर खोज किसने किया है, तो एटॉमिक नंबर खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मोस्ले है, और मोस्ले ने जो मोस्ले को जो प्रभावित किया है, तो मोस्ले जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिकों के सिद्धांत से, उन्होंने क्या किया मोस्ले बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर है पैरोडिक टेबल एंड एज ब्लॉक एलिमेंट, ये भी ये जाना कि आवर्त सारणी क्या होती है, आवर्त सारणी में कितने तत्वों को रखा गया है, कि कौन से ब्लॉक में कितने एलिमेंट, और इनकी जो आधुनिक आवर्त सारणी खोज किसने किया है, इनके बारे में देखे हैं। दोस्तों आप देखते हैं एज ब्लॉक के तत्वों के बारे में, तो एज ब्लॉक के तत्वों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि यहां पर है एज ब्लॉक, कुछ कुछ बातें देखते हैं। एज ब्लॉक क्या होती है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एज कक्षक में प्रवेश करता है वे कहलाता है एज ब्लॉक के तत्व। जितने भी तत्व है अगर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एज कक्षक में एंट्री करेगा, एज कक्षक में प्रवेश करेगा, तो वे सभी क्या कहलाते हैं एज ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और एज ब्लॉक में कुल टोटल कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, 13 एलिमेंट पाए जाते हैं, 30 तत्व पाए जाते हैं। अगर इन तत्वों के बारे में बात करूं जिनमें से हाइड्रोजन क्या होती है नॉन मेटल एलिमेंट होती है, हाइड्रोजन जो है अधातु होती है, मतलब इसमें 13 एलिमेंट है इनमें से 1 जो एलिमेंट है वो क्या है नॉन मेटल, और बाकी जो 12 है वो क्या है मेटल है। मतलब आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है क्या है हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हेनरी कैवेंडिश है, और रेडियम खोज किसने किया है मैडम क्यूरी ने किया है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है एज ब्लॉक का पहला तत्व है, वे जो नॉन मेटल है और गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। अब इनके अगर 12 एलिमेंट की बात की जाए तो 12 एलिमेंट क्या होती है मेटल होती है, और एज ब्लॉक के तत्वों की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखेंगे तो इनका होता है NH2 इनका जो एज ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एज ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH122 होता है। आप देखते ही हैं कि एज ब्लॉक को कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो इनमें जो हम लोग देखते हैं अगर 13 एलिमेंट को, तो 13 एलिमेंट को कितने ग्रुप में रखा गया है इनके बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इनके जो है कितने ब्लॉक, मतलब एज ब्लॉक को कितने ग्रुप में रखा गया है। तो हम जानते हैं कि एज ब्लॉक को जनरली दो भागों में, दो समूह में रखा गया है, जैसे कि यहां पर है एज ब्लॉक, अगर मैं बात करता हूं एज ब्लॉक के बारे में तो एज ब्लॉक को दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या होती है ये होती है ग्रुप फर्स्ट होती है, और दूसरा होता है ग्रुप सेकंड होती है, ये जो ग्रुप फर्स्ट है और दूसरा है ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप फर्स्ट अपन लोग बोलते हैं वर्ग एक और वो है वर्ग दो, ये एज ब्लॉक क्या है दो वर्ग है। एज ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल, इनको बोलते हैं एल्कली मेटल बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं, और इनको बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल, एल्कलीन क्या होती है अर्थ मेटल। मतलब ये वर्ग एक को बोलते हैं क्षार धातु और वर्ग दो को बोलते हैं क्षारी मृदा धातु। अब ये बताना चाहूंगा दोस्तों वर्ग एक को क्षार धातु क्यों कहते हैं और वर्ग दो को क्षारी में धातु या एल्कलीन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के पता नहीं होता है कि क्षार धातु क्या है
और क्षारी में धातु क्या होती है। तो एस ब्लॉक के वर्ग एक के तत्वों को, एस ब्लॉक के वर्ग एक के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार धातु कहते हैं। और क्षार धातु या एल्कली मेटल देने का ये रीजन है कि इनके अगर ऑक्साइड की बात करूं मैं, अभी आपको कुछ बात बताऊंगा कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट को रखा गया है, जिसमें ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो अगर मैं ग्रुप फर्स्ट के बारे में बात करूं तो इनको जो है एल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो ऑक्साइड हैं उनका जो नेचर क्या होती है, क्या होती है, क्षारीय होती है, बेसिक होती है। तो इनका जो ऑक्साइडों का नेचर जो है क्षारीय होने के कारण इनको हम लोग बोलते हैं क्षार धातु होती है। और इनके जो वर्ग दो जिनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके जो ऑक्साइड हैं और जो हाइड्रो ऑक्साइड है ये भी क्या होती है, क्षारीय होती है। और ये जो कहां पर पाई जाती है, पृथ्वी के सतह पर पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट पर पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट पर पाए जाने का जो क्या कहा गया है, क्षारीय मृदा धातु कहती है। अब देखते हैं दोस्तों, अब बात ये आती है कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि एस ब्लॉक की उत्पत्ति, अगर बात किया जाए एस ब्लॉक की उत्पत्ति अंग्रेजी के कौन से वर्ड से हुई है, तो बता देना चाहूंगा कि बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है कि कौन से ब्लॉक, जैसे आपको चार ब्लॉक देगा, एक एलिमेंट जो एस ब्लॉक का होगा, एक एलिमेंट जो है पी ब्लॉक का होगा, एक एलिमेंट जो है डी ब्लॉक का होगा और एक एलिमेंट जो है ए ब्लॉक होगा। और इनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है या कौन सा जो तत्व है सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। तो हम बहुत ज्यादा क्या होते हैं वहां पर जो सोचने लग जाते हैं कि इनका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों अब आपको जो है सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अगर एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जिनके माध्यम से आप ये जान पाओगे कि चारों ब्लॉकों में से कौन से ब्लॉक के तत्व सबसे ज्यादा क्या है एक्टिविटी होती है, उन कौन सा जो ब्लॉक है सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। तो जैसे कि एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक के तत्वों के अगर मान लो हम देखते हैं इनकी उत्पत्ति देखते हैं, ऐसा कौन सा अंग्रेजी का वर्ड है जहां से एस ब्लॉक को लिया गया है, तो वो होता है सात। वो क्या होती है सात, इस सात मतलब होता है क्रियाशील अत्यंत तीव्र। तो सार्प से लिया गया है, सार्प का जो पहला वर्ड क्या है एस है, इसी सार्प का जो पहला अक्षर है सार्प का एस से लिया गया एस ब्लॉक के एलिमेंट। तो दोस्तों हम ये जान गए कि एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो एस ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है, उनकी जो क्रियाशीलता होती है सबसे अधिक होती है। तो चलिए हम दोस्तों हमने ये जाना कि एस ब्लॉक को कौन से वर्ड से लिया गया है, तो है सार्प। सार्प का मतलब होता है अत्यंत क्रियाशील। अब देखते ये हैं कि एस ब्लॉक को दो वर्ग में या दो ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप फर्स्ट अब यह है ग्रुप सेकंड। अब जानते हैं इनके तत्वों के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि एस ब्लॉक में जो जिनको एस ब्लॉक में दो वर्ग में बांटा गया है, एस ब्लॉक को ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, उसमें कौन कौन से एलिमेंट पाई जाती है इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि अगर मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करूं जिसको अभी बताया, इनको जो है क्षार धातु कहते हैं, तो इनका रीजन क्या है इनके बारे में बताया। तो ग्रुप फर्स्ट में क्षार धातु में इसमें जो सेवन एलिमेंट आती है कौन कौन से, जैसे हाइड्रोजन आ गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या आता है फ्रेंसियम। तो एस ब्लॉक के तत्वों का नाम हो जाता है, इसको बोलेंगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। बाय द वे इनको अगर भूल जाते हैं कि एस ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट है, तो इनको जो याद करने का एक ट्रिक है वे इस प्रकार है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अगर हम इस ट्रिक को याद करते हैं कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, तो हमको जो है एस ब्लॉक के सात तत्वों की जानकारी मिल जाती है। तो हाइड्रोजन से लेकर फ्रेंसियम तक ये पाया गया एस ब्लॉक के तत्व। तो चलिए दोस्तों एस ब्लॉक के बारे में कुछ कुछ है जानते हैं। अगर हम मान लो इस एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में जानते हैं कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है और इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो अगर इनका एटॉमिक नंबर जानते हैं तो एस ब्लॉक, एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, एक संकेत आपको बता रहा हूँ कि अगर हमको ये संकेत पता है तो हमको जो है अगर सीजियम को पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं,
ये बता भी सकते हैं कि इनका इतना होता है, फ्रेंसियम का इतना होता है। तो एस ब्लॉक के तत्वों का अगर एटॉमिक नंबर जानना चाहे तो उसके लिए ट्रिक है, वे है 2 8 8 18 18 32। अगर हम इसको जानते हैं कि एस ब्लॉक के तत्वों का एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है तो या कितना होता है किसी एलिमेंट का, तो इस तत्व को हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करके भी निकाल सकते हैं 2 8 8 18 18 32। हमको दोस्तों केवल आवर्त सारणी का पहला जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि आवर्त सारणी का जो पहला जो तत्व है या पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक ये जो सेकंड कॉलम बना है वो जो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है। अगर इसमें 2 ऐड करते हैं यहाँ पे, इसका मतलब है 2, अगर इनके हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर में 2 ऐड करते हैं तो इनका हो जाता है 3। तो 3 इनका एटॉमिक नंबर है लिथियम का, इस 3 में अगर 8 जोड़ते हैं, 8 करते हैं तो होता है 11 होता है। 11 इनका एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, फिर इसमें जो 8 क्या करेंगे, 8 करेंगे तो आएगा 19 आएगा। 19 किनका एलिमेंट है, मतलब कि किस तत्व का एटॉमिक नंबर है, तो होता है पोटेशियम का, और इसमें जोड़ते हैं 18 तो हो जाता है 37, फिर 37 18 जोड़ेंगे हो जाएगा 55, और लास्ट में जो 32 जोड़ते हैं या 8 करते हैं कितना आता है 87। तो हमको ये पता चल गया कि एक ब्लॉक के तत्वों का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, इसमें 2 ऐड किए तो 3 हुआ, इसमें फिर 8 ऐड किए तो 11 हुआ, फिर 8 ऐड किए हो जाएगा 19, 18 ऐड करने पर हो जाता है 37, सीजियम को हो जाता है 55 और फ्रेंसियम को हो जाता है 87। तो हमने ये जान लिया। इसी प्रकार अगर मान लो अब जितने एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं इनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है NH1। और आपको जो इस क्लास के बाद या इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में बताएंगे तो आपको ये बताएंगे कि एस ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब निकालते कैसे हैं, वो किस प्रकार निकाला जाता है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जब बताएंगे तो ये बताएंगे इनकी खोज किसने किया है, एटम या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH1। इसका ये मतलब होता है एस ब्लॉक के वर्ग एक के जितने भी तत्व है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो या क्या हो, फ्रेंसियम हो, इनके अंतिम कोष में या वैलेंस शेल में इनके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। मतलब इनके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण जो है इनको क्या किया गया है, वर्ग एक में स्थान दिया गया है। तो इनके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और एक क्या है, फ्रेंसियम, ये सभी क्या है, मेटल होती है। और मेटल किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज करके केटायन बनाता है, वही कहलाता है मेटल कहलाएगा। तो इनके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन पाती है जिसे वो आसानी से क्या करता है, रिलीज करता है। जितने भी एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वे एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है और एक क्या बनाता है, ये बनाता है केटायन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का और एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इसमें लगता है एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का, इसमें लगता है एक तो पॉजिटिव आयन लेगा, वन इसमें सब में क्या लगेगा, एक तो पॉजिटिव आयन लगेगा। अब प्रश्न अगर हमको पूछेगा कि सोडियम आयन में मतलब कितना प्लस चार्ज लगता है, तो हम बता सकते हैं सोडियम में लगता है एक प्लस चार्ज लगता है, पोटेशियम भी क्या लगता है, एक प्लस चार्ज लगता है, क्योंकि जितनी भी क्षार धातु होती है वे एक इलेक्ट्रॉन क्या करते त्यागते हैं और एक केटायन वाले क्या बनाते हैं, आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इनकी जो वैलेंसी होती है एक होती है, जितने भी एस ब्लॉक के तत्व तो इनकी वैलेंसी कितना होती है, अगर वैलेंसी की बात की जाए तो रुबिडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण
इनकी वैलेंसी होती है एक होती है और साथ में इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होती है एक होती है। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ कुछ बातें इस ब्लॉक के बारे में जानते हैं, ये आवर्त सारणी का मान प्रश्न पूछा जाता है, आवर्त सारणी का ऐसा कौन सा तत्व जिनको आवारक तत्वों के नाम से जाना जाता है, तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक का हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिनको हम लोग क्या कहते हैं आवारक तत्वों के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इनके जो प्रॉपर्टी है वर्ग है और ग्रुप 17 मतलब इनका जो गुण है वो जो एल्केली मेटल और जो हैलोजन जो फ्रेंडली है हैलाइड जो फ्रेंडली है उनसे क्या होती है मिलती है, और मतलब ये क्या करता है क्षार धातु के समान एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है रिलीज करता है जिसके कारण क्या बनाता है हाइड्रोजन आयन बनाता है, और जो है ये इनके जो गुण है हाइड्रोजन का उनके जो इनके समान मिलते जुलते हैं हैलोजन के समान, हैलोजन क्या करती है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और एक क्या बोलते नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाता है हाइड्राइड आयन बनाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन आयन और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन करता है, मतलब इनको दोनों ग्रुप में स्थान दिया गया एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में, ग्रुप फर्स्ट में और ग्रुप 17 में स्थान देने का इनको क्या बोलते हैं आवारक तत्व कहते हैं। लिथियम के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो लिथियम के बारे में होती है कि एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वे सभी हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या होती है धातु होती है, इनकी जो एक्टिविटी होती है और जितने भी ग्रुप्स होते हैं जितने ब्लॉक होते हैं उनसे क्या होती है अधिक होती है, तो एस ब्लॉक का सबसे हार्डेस्ट अगर एस ब्लॉक के बारे में बात करें तो एस ब्लॉक का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है लिथियम होता है, एस ब्लॉक का सबसे कठोरतम तत्व होती है लिथियम होती है, एक कठोर तत्व होने के कारण जो है इनका जो बीपी और एमपी है इनका जो बीपी और क्या है एमपी है, मतलब एक क्षार धातु के सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक वाले धातु होती है लिथियम होती है, क्योंकि क्या है हार्डेस्ट एलिमेंट है जिनके गलनांक और क्वथनांक होती है सबसे अधिक होती है। और यहां पर देखते हैं सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम क्या है सॉफ्ट मेटल है जिनको हम जो है मतलब ब्लेड से भी काट सकते हैं, ये जो है पानी से हल्की होती है, तो ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा एस ब्लॉक में ऐसा कौन सा धातु है जो जिनका घनत्व तो पानी से कम होती है या जो मुलायम धातु होती है, तो कौन सा धातु है सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम क्या है मुलायम धातु होती है। और एक और बात दोस्तों, जैसे सोडियम आयन है, सोडियम आयन कहाँ पाया जाता है, सोडियम परमाणु, अगर मैं सोडियम के बारे में बात करता हूँ तो सोडियम पाई जाती है पौधों की जड़ों में, और इनका जो अंतिम तत्व होता है फ्रेंसियम होता है जो क्या होती है रेडियो एक्टिव तत्व होती है। अगर पूछा जाता है एस ब्लॉक के तत्वों का फिजिकल मतलब है स्टेट के बारे में बताइए भौतिक अवस्था के बारे में बताइए, तो बिल्कुल हम इसके भौतिक अवस्था के बारे में बात कर सकते हैं, तो वर्ग एक में जो है हाइड्रोजन क्या है गैस है, और सीजियम, अगर सीजियम की बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 55 होता है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग प्वाइंट है एस ब्लॉक में क्या होगा सबसे कम होती है, अगर मेटल की बात की जाए तो इनका जो इनका सबसे क्या होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग प्वाइंट हाई होगा, लेकिन इनका क्या होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग प्वाइंट लो होता है, और लो होने का ये कारण है कि ये क्या पाई जाती है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो एस ब्लॉक में ऐसा कौन तत्व है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो वो क्या होती है सीजियम होती है जिनका गलनांक और क्वथनांक कम होती है, और इनका जो एस ब्लॉक का अंतिम तत्व क्या होती है फ्रेंसियम जो कि एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है। तो दोस्तों कुछ कुछ बारे में इसके बारे में जाने, अब जानते हैं ग्रुप सेकंड जिनको हम लोग क्या बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल, मतलब एल्कलीन अर्थ मेटल मतलब क्या होगा क्षारीय मृद धातु, और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनको क्यों कहते हैं और आगे आपको वीडियो में बताएंगे, अभी मतलब आगे आपको वीडियो में बताएंगे इनके प्रॉपर्टी बारे में, तो उसमें बताएंगे कि इनके जो जो क्या ऑक्साइड होते हैं वे जो है बेसिक होती है, या इनके जो ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड होती है वे बेसिक क्यों होती है इसके बारे में बताएंगे। अभी हम देख रहे हैं ग्रुप सेकंड का, तो ग्रुप सेकंड में आता है 6 तत्व आती है इसमें 7 तत्व आएगा, तो ग्रुप सेकंड में आता है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम और क्या आता है रेडियम। तो अगर दोस्तों अगर इसके नाम अगर जानना चाहे तो इसके लिए कोड नंबर, जैसे हमने आपको जो है एस ब्लॉक के तत्वों कोड नंबर बताया
कि हमारे लिए ना करो रब से फरिया। उसी प्रकार इसका कोड नंबर है वर्ग दो का, जैसे है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अगर हम इसके बारे में जानते हैं कि पी ब्लॉक के जो वर्ग दो के तत्वों के अगर मान लो कोडिंग नंबर अगर हम कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए कोड नंबर है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजीव। तो बेटा से बनेगा बेरिलियम, मांगे से बनेगा मैग्नीशियम, और कार से बनेगा कैल्शियम, स्कूटर से बनेगा स्ट्रॉन्शियम, और बेटा क्या मांगते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप से बनेगा क्या बनेगा बेरियम, और ये क्या बनेगा राजी से बनेगा रेडियम। तो हमने इसके बारे में जान लिया। एस ब्लॉक के तत्वों को अगर कम्प्लीटली जानना चाहें तो इस प्रकार बोल सकते हैं हमारे लिए ना करो रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसके बारे में भी जान मतलब एक अगर कोड नंबर याद रहेगा तो हम बिल्कुल इन तत्वों का नाम जान सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर, जैसे हम इसका एटॉमिक नंबर जानते हैं तो जैसे हमने क्षार धातु का एटॉमिक नंबर जाने तो उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है एड करना है। तो जैसे लिथियम है, लिथियम के बाद अगर आवर्तम देखते हैं तो लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम, सोडियम के बाद क्या आएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाद क्या आता है ये सोडियम के बाद क्या आएगा कैल्शियम। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3, तो बेरिलियम का हो जाएगा 4, सोडियम का होता है 11, इनका हो जाएगा मैग्नीशियम का 12, इनका होता है 19, 20, इनका हो जाएगा 38, क्या होता है सीजियम का होता है 55, हो जाएगा 56, इनका होता है 88। तो इसके माध्यम से अगर 2, 8, 8, 18, 19, 32 पता होगा तो एस ब्लॉक के तत्वों का एटॉमिक नंबर भी जान सकते हैं। तो हम ये ब्लॉक के तत्वों का नाम जान लिए। अब देखते हैं कि इनकी जो वैलेंसी होती है क्षार धातु की वैलेंसी कितना होता है एक होता है। तो अब क्षारी धातु की जो वैलेंसी होती है ये इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है जिसे वो आसानी से क्या कर देगा रिलीज कर देता है। और एक बात दोस्तों जैसे एग्जाम में पूछा जाता है जैसे आपको क्या दिया जाता है कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा इन 4 तत्वों में से सबसे ज्यादा धन विद्युत तत्व कौन सी है। तो वर्ग एक के जितने भी तत्व होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं प्रबल धन विद्युतीय तत्व बोलते हैं। आवर्त सारणी का सबसे प्रबल धन विद्युतीय तत्व मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करने की जो कैपेसिटी है किसी पाए क्षार धातु में या एस ब्लॉक के तत्व में पाई जाती है। तो वर्ग दो के जितने भी तत्व हैं वे जानी कितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का इसमें इनकी जो वैलेंसी होती है कितनी होती है 2 होती है। वर्ग एक के तत्वों का होता है 1, इनका होता है 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का इसमें लगता है सब में 2+ चार्ज लगता है और ये सब क्या है मेटल है। ये मेटल के प्रॉपर्टी क्या करेंगे शो करेंगे। और आप जानते हैं मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है आप जानते हैं। तो ये इसमें तो 2+ चार्ज लगा है मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिलीज करता है। अगर कैल्शियम को अगर आयन फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा तो कैल्शियम क्या लगता है 2+, बेरियम में 2+, रेडियम में 2+। आप जानते हैं इनकी जो वैलेंसी है इनकी जो वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। वर्ग एक के तत्वों की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि वे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं डोनेट करते हैं। तो बेरिलियम से लेकर रेडियम तक जितने भी तत्व हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है जिसे वो आसानी से क्या करता है डोनेट कर देता है। जिसके कारण वर्ग दो के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो वैलेंसी होती है 2 होती है और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2 होता है। तो दोस्तों हमने जो है अभी जो एस ब्लॉक के बारे में पढ़े कि एस ब्लॉक क्या होती है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में प्रवेश करेगा उनको हम लोग क्या बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। आगे हम जब आपको वीडियो में बताएंगे इस वीडियो के बाद आपको बताएंगे कि एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं चाहे वो हाइड्रोजन से लेकर ये रेडियम तक उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर मान लो आपको 1 सेकंड पूछा जाता है तो किस प्रकार निकालेंगे या किस प्रकार इनका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा इस वीडियो में आपको जो आवर्त सारणी क्या होती है और एस अभी हमने केवल एस ब्लॉक के बारे में चर्चा की है उसके मात्र एलिमेंट के बारे में और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे इनके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते जाएंगे कि मेंडेलीव की जो पेरियोडिक टेबल क्या है और जो मोसले की पेरियोडिक टेबल क्या आती है केवल हम जो पेरियोडिक टेबल के बारे में आने वाले वीडियो में क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों
आपने ये जाना कि एस ब्लॉक में कितने तत्व पाए जाती है, आवर्त सारणी क्या होती है, इसके बारे में आपने जाना। जरूर इतना कहना चाहूंगा आपको जो है इस वीडियो को देखकर एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में कुछ जो जानकारी है वो जो है मिल गया होगा। और अंत में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।